हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उज्ज्वल। वेलकम टू माय चैनल ड्रीम स्टार ऑटोमोबाइल। आज मेरा जॉब टाटा EX70 सुपर, उसका सेंटर जेड सिल्की चेंज। तो आप लोग ध्यान से देखना कैसे इसको चेंज करना है। इसको चेंज करने के लिए मशीन से पहले इसको सेंटर जेड का जितना सारा होस का कनेक्शन है उसको खोल लेना है। उसको खोलने के लिए आप लोग को लगेगा 30 mm का DS पैनल, 22 mm का DS पैनल, 90 mm का DS पैनल। इससे आप लोग आसानी से खोल सकते हो। इसका जितना सारा कनेक्शन है होस उसको खोल सकते हो। आप लोग देख रहे हैं, तो उसको खोलने के बाद हम लोग पहले बाहर निकल लेंगे, फिर जाकर उसको खोलकर एक एक करके इसका सील चेंज करेंगे। अगर आप मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि मेरे चैनल में ऐसे ऐसे वीडियो आप लोग आगे मिलते रहेगा। दोस्तों, वीडियो के स्पीड थोड़ा हम लोग बढ़ा लिया, नहीं तो मेरा वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, इसलिए थोड़ा स्पीड बढ़ा लिया। तो आप लोग का कोई समझ में प्रॉब्लम आएगा, दिक्कत आए तो कमेंट्स में ज़रूर बताना, हम उसका आंसर करेंगे। तो आप लोग देख रहे हैं कैसे इसको खोलना है। पहले अभी इसका सील चेंज कर रहा है एक एक करके। सील निकालने के लिए आप लोग को थोड़ा पतला सा पेचकस, लंबा थोड़ा ज़्यादा वाला पेचकस लेना पड़ेगा, तो खुलने में आप लोग को आसानी होगा, नहीं तो इसके सील निकलने में बहुत प्रॉब्लम होता है, दिक्कत आ जाता है। तो आप लोग देख रहे हैं एक एक करके इसका अंदर में जितना सारा सील है उसका निकल रहा है। अभी हम लोग पुराना वाला जितना सील है वो निकल लेंगे, फिर जाके हम नया वाला सील इसमें डाल देंगे। जहाँ जहाँ से निकल रहे हैं सील, ठीक सेम पोजीशन में सील डालेंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखना, जब निकलने के टाइम में जैसे सील निकल रहा है और जो आप लोग नया वाला डाल रहे हैं उसका भी थोड़ा मेजरमेंट कर लेना, सही है या नहीं। तो आप लोग जैसा सील निकल रहे हैं उसमें दूसरा वाला सील डाल देंगे तो इनर वाला जो पिस्टन उसमें तो वो अंदर नहीं घुसेंगे, उस वजह से प्रॉब्लम भी हो जाएगा। तो सील डालने से पहले कंफर्म होना ये सही सील या नहीं। दोस्तों, हम लोग का पुराना वाला जितना सील था पूरा सब निकल दिया, अभी नया वाला डाल रहे। तो आप लोग देखना कैसे डालना है और इसका आराम आराम से डालना है, क्योंकि यहाँ पे पोजीशन भी बहुत है, इसमें स्पेस, इसका जितना होल है अंदर में तो होल बहुत ही छोटा है, तो आसानी से हाथ सबका नहीं फंसेगा इसका अंदर में। जिसका हाथ थोड़ा पतला सा है वो उसका हाथ आराम से घुस जाएगा। ये जो मेरा इंजीनियर है इसका हाथ अंदर घुस रहा है, मेरा हाथ इसमें नहीं घुसेगा, तो इसको भी ठीक से घुसना है और सही पोजीशन में सही जगह पे इसको बैठाना है। तो एक एक करके हम पूरा जितना सील है सबको डाल देंगे। तो आप लोग ध्यान से देखना।
दोस्तों देख रहे हैं, हम लोग सील डाल रहे हैं, तो एक साइड से जितना सारा सील वो डाल नहीं पाएंगे क्योंकि इसका लंबाई भी थोड़ा ज़्यादा है और अंदर में हाथ भी नहीं घुसता है। तो एक साइड डालकर फिर उसको घुमाकर दूसरा साइड में जितना बाकी रहेगा उसका सील डालेंगे। दोस्तों सील डालना कंप्लीट हो गया है हमारा। अभी जो इसका पिस्टन है, पिस्टन अंदर डाल देंगे। तो पिस्टन थोड़ा सावधानी के साथ डालना है क्योंकि आराम आराम से इसको थोड़ा हाइड्रोलिक लगा लेना पिस्टन में, क्योंकि आराम से अंदर घुस जाए। तो इसको घुसा कर फिर जाकर हम लोग नीचे का जो चापा है चापा टाइट कर देंगे। टाइट करने के बाद मशीन में फिर फिटिंग कर देंगे। दोस्तों याद रखना, जो खुलने के टाइम में ऊपर से जो बॉल था तो उसका बॉल सारी पोजीशन इसी पोजीशन में जितना सारा बॉल है सबको अंदर डाल लेना। डालने के बाद पूरा पिस्टन बैठा देना। बैठने के बाद नीचे से जो स्पेसर स्पेसर और नीचे में जो चापा था उसको आप लोग टाइट कर देना बराबर। तो उसको नीचे वाला चापा टाइट करने के लिए 16mm वाला आप लोग का DS रिंग स्पनर या सॉकेट से आप लोग टाइट कर देना। दोस्तों देख रहे हैं हमारा जो पिस्टन था वो सही पोजीशन में आ गए। तो अभी नीचे वाला जो चापा है उसको टाइट कर रहा है और 16mm वाला बोल्ट है इसमें, आप लोग 16mm वाला रिंग या सॉकेट से इसको बराबर टाइट कर देना। इसका पोजीशन भी याद रखना है, कौन सा पोजीशन में आप लोग खोला था और सेम पोजीशन में उसको बैठा कर टाइट करना। टाइट करने के बाद मशीन में फिर फिटिंग कर देंगे।
फ्रेंड्स, मेरा वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक डाल देना, क्योंकि आपका एक लाइक अगला वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। और आप मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम है तो मेरे चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि मेरे चैनल में ऐसा एक्सकवेटर और बैकलोडर मशीन का मैकेनिक वीडियो आता रहता है। तो आप लोग को अच्छा लगता है तो आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। थैंक यू वॉचिंग माई चैनल ड्रीम स्टार ऑटोमोबाइल।